नमस्कार साथियों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणित से संबंधित जो आपके 9th और 10th में क्वेश्चन आता है, डिवीजन का। नॉर्मल डिवीजन तो आप सब करना जानते हैं, भाग देना आप सब जानते हैं, पर अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में, x की फॉर्म में अगर आपको टर्म दिया रहे और उनके डिवाइड करना रहे तो ये केसेस पॉसिबल है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो क्वालिटी, आपको अगर ऐसे ब्राइटनेस या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको वीडियो सेटिंग में जाके क्वालिटी को 480 सेट कर लीजिए, ताकि आपको पूरा जो वीडियो है वो अच्छे से क्लियर शो हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एलजेब्रा का, डिवीजन। डिवीजन मींस हम यहां पे करेंगे डिवाइड यानी भाग करेंगे। एलजेब्रा देगी, जब हम कभी भी भाग करते हैं तो आपको ये ऐसा साइन होता है डिवीजन का, भाग का, जहां पे हम यहां करते हैं, यहां आपको लेना है px और बाहर की साइड में आएगा हमारा gx। यहां जो आएगा वो आएगा हमारा क्यूसेंट qx और यहां जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा rx, जिसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। तो ध्यान रखिए, इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है डिवीजन वाला, क्या होता है वो, px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। ये जो है जिसको हम डिवाइड करेंगे वो वाला, और यहां जिससे हम डिवाइड करेंगे gx, यहां पे जो हमारा क्वेश्चन बागपल जो आता है ये, और ये हमारा सेंस पर, ठीक है। तो देखिए, यहां पे अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो भाजक इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस सेंस पर, ये एक सूत्र होता है हमारा, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमें ये वाला टर्म हमें चाहिए वापस डिवीजन करने के बाद, भाग देने के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और जो आंसर आएगा उसके अंदर ये प्लस करा देंगे, तो हमारा आंसर कौन सा फाइंड होगा, px हमारा आंसर फाइंड होगा। ये आप मेथड देख लीजिए, इसको हम अब पढ़ेंगे। देखिए, आपके जो क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा कि px और gx आपको दे रखे होंगे, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको px क्वेश्चन के अकॉर्डिंग px आपको दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और आपको gx जो है वो दिया हुआ है, gx की वैल्यू x प्लस 1। अब देखिए, इसको हम डिवीजन देंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। यहां हम gx लिखते तो यहां लिखेंगे x प्लस 1, px यहां हम लिखेंगे 2x की पावर 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहां से डिवीजन करने के टू मेथड है, हमें यहां पे रफ में डिवीजन करना है, दो मेथड है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। फर्स्ट वाले टर्म को सेम बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट टर्म है और यहां जो फर्स्ट टर्म है, उन दोनों को डिवाइड कीजिए रफ में। तो यहां हमारे पास है 2x की पावर 3 और डिवाइड किससे करना है, x, ये इजी मेथड है, इसी से करेंगे हम। x से x कटिंग करेगा, आंसर बचेगा 2x स्क्वायर, यहां से आंसर बचेगा 2x स्क्वायर। देखिए फिर कैसे करेंगे, ये हमने क्या किया वापस देख लीजिए एक बार, यहां जो फर्स्ट टर्म होगी और इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम रफ में डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहां लिखेंगे। इसका मीन इतनी बार ये टेबल बोलनी है इसकी, तो जो आंसर हमारा आया 2x स्क्वायर, बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। मतलब अगर हम टेबल फॉर्म में देखते हैं तो हम इसकी टेबल इतनी बार बोलते हैं तो हमारा यहां लिखते हैं, वैसे इसमें करना है, इसको इससे इंटू करना है, जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंटू करा दे तो हमारा आएगा 2x की पावर 3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू होगा तो 2x स्क्वायर। ये टर्म बना, ये टर्म हमें याद रखना है,
याद रखना पावर के सामने सेम पावर लिखी जाएगी, है ना। तो देखिए 2x स्क्वायर ये सेम बना दिया हमने, 2x क्यूब पावर 3 घात 3। अगला प्लस साइन का विशेष ध्यान रखें, इस एक्सीक्यूशन में साइन का ध्यान स्पेशली रखना है। अगर हल्का सा भी साइन में मिसमैच हो गया तो आंसर कुछ और ही आ सकता है। अब यहां से हम साइन लगाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहां तक हो गया। अब यहां माइनस लगाते हैं, डिवीजन करते हैं तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस एलजेब्रा में माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये हमेशा कटिंग होगा इसलिए हम सेम बना रहे हैं, ये कटिंग होगा, ये माइनस और ये प्लस। 2x स्क्वायर x स्क्वायर से बड़ा है इसलिए साइन क्या लगेगा, माइनस। 2x स्क्वायर में से यहां कुछ नहीं है, 1 है, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस होगा तो 1x स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे माइनस 2x, नेक्स्ट वाला जो डिजिट है ये हमने यहां लिखा जैसा हम डिवीजन में करते हैं। अब देखिए वापस नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा स्टेप 1, सेकंड स्टेप में वही टर्म आपको करना है, ऐसा हमें सेम बनाना है। तो ये वाला फर्स्ट डिजिट साइन के साथ और यहां से ये फर्स्ट x, दोनों को डिवाइड करेंगे जैसा हमने यहां किया, कटिंग करेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस x। अब जो माइनस x बचा वो हम यहां लिखते हैं जैसे हमने 2x लिखा था, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, उसके बाद हमने क्या किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कराया और वो यहां लिखा। वैसे इसमें करना है माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किससे कराना है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ये वाला मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, माइनस एक्स इंटू वन एक्स, ये वाला हमारा टर्म आया, यहां लिखेंगे इसके नीचे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये एक्स की फॉर्म, ये भी एक्स की फॉर्म, इसलिए इसके नीचे, अगर यहां मान लीजिए कुछ और पावर आती तो वो नेक्स्ट वाले स्टेप आती या खाली रह जाता। अब देखिए यहां साइन हम चेंज करेंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस, ये माइनस किस में हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस ये प्लस दोनों कटिंग हो जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, माइनस और प्लस बड़ा कौन है, 2x, तो माइनस का साइन 2x में से 1x माइनस हुआ, सिंगल 1x। नेक्स्ट टर्म कौन है, माइनस 1 हम यहां लिखेंगे। अभी भी हमारे पावर है वो सेम पावर में, जब तक पावर दोनों की सेम होती है, घात दोनों की सेम होती है तब तक डिवीजन करते रहना है। यहां से यहां घात अगर छोटी आ जाती है तो डिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमारा रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। अभी ये और डिवाइड होगा क्योंकि इसकी x की पावर 1 है, यहां पे भी x की पावर 1 है, तो अभी भी ये डिवीजन होगा। हमारे पास है माइनस एक्स, नेक्स्ट स्टेप माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म है, यहां फर्स्ट है वो x, डिवीजन करना जैसे यहां किया, कटिंग करेंगे आंसर आएगा माइनस वन, यहां हम लिखेंगे माइनस वन। अब माइनस वन को मल्टीप्लाई किससे कराना है, स्टेप वही एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वन, ये हमारा आंसर बनेगा। यहां इसको इसके नीचे लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन, स्टेप सेम रखेंगे, यहां साइन लगाएंगे माइनस, माइनस साइन होगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस कटिंग हो जाएगा या माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कटिंग, आंसर हमारा जीरो। नेक्स्ट कोई भी टर्म नहीं है तो हमारा रिमाइंडर आ गया जीरो, जरूर नहीं है कि हर बार जीरो ही आए, कोई नंबर भी फॉर्म आ सकता है। तो यहां हमारा रिमाइंडर कितना आया, स्मॉल आर एक्स या कैपिटल आर एक्स लिख सकते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आया ये। तो अब यहां से अगर आंसर लिखना चाहें तो हमारा क्यू एक्स कितना आएगा, 2x square minus x minus 1, और जो remainder है वो हमारा rx। अभी हमने जो formula लिखा था उससे हम ये prove कर सकते हैं कि ये answer वापस आएगा। कैसे करेंगे देखिए, हमारा remainder और quotient हमारे सामने आ रखा है और हमारा gx हमारे पास है। करेंगे देखिए कैसे करते हैं, जब हम px equal to gx into qx plus rx लगाते हैं वही यहां लिखेंगे, px हमारा ये आंसर लाना है हमें px, तो gx हमारे पास कितना है x plus 1, और जो हमारा qx है जो मल्टीप्लाई कराना है ये है 2x square minus x minus 1 और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे इसमें 0 आया है, अगर कोई और नंबर होता तो वो भी लिख देते। सॉल्व करेंगे x को मल्टीप्लाई कराएंगे सब पूरी टर्म से तो ये बनेगा 2x की पावर 3, यहां बनेगा x x x स्क्वायर
x 1 से होगा तो x, अब ये 1 की टर्म है, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आती है 2x2 - x - 1। यहां से देखिए हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये भी x की टर्म, x स्क्वायर की टर्म, ये भी x स्क्वायर की टर्म, माइनस प्लस माइनस, दोनों टर्म में से माइनस होगा तो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, x माइनस x दोनों ही माइनस के, माइनस माइनस प्लस x और x 2x, नेक्स्ट हमारे पास माइनस 1। देखिए ये का ये टर्म हमारे ये है तो यहां से हमें क्या फाइंड हो गया px, तो जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो हेंस प्रूव हुआ, इससे हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर भी राइट है, हमारे जो क्वेश्चन है वो भी राइट है, हम वेरीफाई कर सकते हैं यहां से कि हमने जो डिवाइड किया वो राइट है या रॉन्ग है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसके अंदर पुट करने पे हमारा जो ये आंसर है वापस आना चाहिए, तो हमारा ये आंसर वापस आ गया। इस तरह से हमने आज डिवीजन सॉल्व किया। स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, ये वाले स्टेप सॉल्व करने हैं, पर्टिकुलर एक स्टेप आपको याद रहेगा तो सेकंड स्टेप इसका सेम है, बाकी वाले सारे स्टेप आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हमने डिवीजन मेथड किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।